गाइस कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग नोएडा से जा रहे हैं, आज हम लोग जा रहे हैं लखनऊ वापस, क्योंकि जन्माष्टमी का फेस्टिवल हमारा खत्म हो गया, बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया। अंकल है रावत अंकल और पापा और अंकल अब जा रहे हैं वापस और हम लोग जा रहे हैं लखनऊ, तो आगे मिलते हैं। तो वो रही हमारी सोसाइटी, बाय बाय व्यूए, बाय बाय, एक सेकेंड, हाँ आप देख रही है, बाय बाय व्यूए। ये कासा ग्रीन्स है, यहीं से हम आए थे, अब हम जा रहे हैं। वो बीएलएस निकल गया, हेलो हाय गुड मॉर्निंग, परी चौक। यहाँ पे देखिए कितनी सारी परियां हैं, उस दिन रात थी तो देख नहीं पाया था, बट ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे काफी सारी परियां हैं, इसलिए इसका नाम परी चौक रखा गया है। ये भाई सेम रोड जिससे हम आए थे, हाँ हम उससे जा रहे थे। देखिए ऑनेस्टली मैं बताऊं तो वापस जाने में ना उतना ज्यादा मजा आता नहीं है अंदर से, मतलब अंदर से आवाज नहीं आती कि हम जाएं वापस लखनऊ, लेकिन ठीक है, अब लखनऊ में घर है हमारा, पूरा प्रॉपर सेटल चीजें हैं, तो जाना पड़ता है। वहाँ पे मार्केट भी हमारी बनी हुई है, तो काम वाम भी हमारा वहीं पे भी थोड़ा ज्यादा, तो हमें जाना पड़ता है। लेकिन आई होप कि हम लोग यहाँ पे फटाफट अभी शिफ्ट हो रहे हैं 6-8 महीने के अंदर, तो हम लोग यहाँ सब कुछ सेटल कर दें वैसे ही, और यहाँ के मार्केट पे फिर से हमारा कमांड हो जाए वापस, बिल्कुल तो मजा आएगी। तो लेकिन भाई खुशखबरी एक और, कम से कम आना जाना खत्म हो जाएगा ना, हम फिर महीने में एक बार ही जाएंगे वहाँ पे, हाँ हमें देखने के लिए। लेकिन भाई इस बार एक खुशखबरी थोड़ी, मतलब दिल से खुशी इसलिए भी मिल रही है क्योंकि हमने, हम कौन सी गाड़ी ले जा रहे हैं? हाँ जी हमने कार चेंज कर दी, पापा को हमने टेरनो दे दी और प्लिनो यहाँ पे लेके जा रहे हैं हम अपने साथ। ये गाड़ी थोड़ी ज्यादा, मतलब खैर वो गाड़ी तो है ही खतरनाक, वो तो बढ़िया है ही, लखनऊ के लिए ये गाड़ी ज्यादा सही है, छोटी गाड़ी। हाँ जी, यहाँ पे नोएडा में तो हमारी पार्किंग है बहुत बड़ी सी, तो हमारी 2-3 गाड़ियाँ आराम से आ जाती है, लेकिन अब वहाँ पे एक ही है पार्किंग का जगह अपने घर पे, तो वहाँ पे वाली गाड़ी परफेक्टली फिट होती है, और टेरनो थोड़ी बड़ी पड़ती है तो वहाँ दिक्कत आ जाती है, इसलिए हम इसको लेके जा रहे हैं। तो लुकिंग फॉरवर्ड हम लोग फिर अब जा रहे हैं, देखिए टोल रोड आने वाला है, मतलब वही एक्सप्रेस वे, ये मुना एक्सप्रेस वे आने वाला है, और फिर से हम गोल 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 घूम के जाएंगे, तो मैं फिर से दिखाऊंगा आपको। और ये हम लोग चल रहे हैं यार एक्सप्रेस वे, हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी। तो हम लोग अब पहुंच गए अपने मेन रोड पे, अब ये घूमेगा गोल थोड़ा सा, थोड़ा सा ही घूमेगा, इसमें मजा ये आ गए हम लोग मेन हाईवे, ये देखिए, रेडी टू टेक अ फ्लाइट। तो भैया रसगुल्ले खाए जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, बीकानेर से हमने ले लिया था। अरे 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 एक सेकंड, अब पहले बात कर लूँ। हाँ तो आप लोग को ये बताना है कि हम लोग आज जिस वजह से लखनऊ जा रहे थे स्पेशली, उसका रीज़न था कि आज हमारा शो था ब्लैक ब्रू हाउस में, जिसके जनरल मैनेजर हैं दीपक सर, तो बहुत ही अच्छे आदमी हो, हमारा शो था जो कैंसिल हो गया अनफॉर्चुनेटली। क्यों? क्योंकि क्यों होगा आप गेस करिए, कोविड सक्स, कोविड-19, कोविड महोदय, और ये योगी जी महोदय, और ये एक्साइज मिनिस्टर जी महोदय, जितने महोदय हैं ना, ये अपनी, चलो अब क्या ही बताएं, अपनी जेब भरते हैं खाली। नहीं नहीं मत बोलो यार, ये सब कहीं पता चला व्लॉग पे सब केस वेस कर दें, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ बोलना नहीं इनके बारे में, ये दुनिया देख रही है, पूरी पूरा देश देख रहा है, देखते हैं क्या होता है आगे, बट हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस लॉकडाउन में जो भी हमारी इनकम हुई, जो भी हमारा इनकम होता है, ज़्यादातर अभी इस लॉकडाउन में क्या, जो अगर फेज मैं आपको बताऊं तो हमारा स्टूडियो से थोड़ा ज़्यादा आता है, जिससे हमारी सेविंग्स भी हो जाती हैं, अच्छा खासा सेव भी कर लेता हूँ,
और अपनी चीज़ें भी पूरी हो जाती हैं सारी, जो भी हमें खरीदना होता है, जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी हमारी चीज़ों पे जो इन्वेस्ट करना होता है वो हम इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो और बाकी जो लाइव गिग्स का सवाल अगर उठाएं हम लोग, तो इस लॉकडाउन में तो कुछ नहीं हो पाया। पहले अच्छा कमांड था उस साइड, इस बीच तो लाइव गिग्स का कोई भी सीन नहीं है ना, कुछ ऐसा हमारा कुछ बहुत बड़ा इनकम हुआ है उससे, लेकिन पहले काफ़ी अच्छा इनकम होता था। बट आई होप कि जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा टाइम जाए, एक अच्छी अच्छा अच्छे से वो लोग कमा पाएँ अपने फैमिली के लिए, अपने घर के लिए। तो हमारी तो मतलब उनकी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो उन्हें पूरी फुलफ़िल करनी होती हैं। हमारे पेरेंट्स कर देते हैं छोटी मोटी, मतलब जितनी जो बेसिक चीज़ें होती हैं हमारे पेरेंट्स कर देते हैं अभी फ़िलहाल। बाकी मेरे पेरेंट्स की वजह से फिर मैं सेव कर पाता हूँ अपने आगे की चीज़ों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए और अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए मैं सेव कर लेता हूँ सारे पैसे और कुछ इन्वेस्ट कर देता हूँ चीज़ों पर। बाकी मेरे पेरेंट्स सारी मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी कर देते हैं, लेकिन उन सफरर्स के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्हें सब कुछ उसी पैसे से इन्वेस्ट करना है, सब कुछ उसी पैसे से पूरा चीज़ें करनी है, अपनी लाइफस्टाइल अपना लाइफ पूरा स्पेंड करना है। तो दिस इज़ अ बिग बिग क्वेश्चन एंड अ बिग ड्रॉप टाइम फॉर ऑल दो सफरर्स। जो लोग निर्भर हैं इस पे, जो शोज पे, लाइव शोज पे, गिग्स पे जो निर्भर हैं, जिनका घर चलता है, बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं, एक नहीं है, अनगिनत हैं, बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं जो प्ले करते हैं, जो शोज करते हैं, गिग्स करते हैं सिर्फ अपना पेट चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, उनका काम ही वही है। तो उनके लिए दिस इज़ वेरी सैड, बहुत ही बहुत ही बहुत ही गंदी, बहुत ही गलत बात है ये, जो कि ये सारे म्यूजिशियंस के साथ हो रहा है। हमारा तो इसलिए हो जाता है काम क्योंकि भाई हमारे पेरेंट्स इतने अच्छे लेवल पे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि हमारे पेरेंट्स का हमारे पे बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो हमें कोई बेसिक नीड हमें फुलफ़िल नहीं करनी है अपने उस पैसे से। हम लोग अपनी ऊपर की चीज़ें जो हमको हमारे ऐशो आराम होते हैं, वो सब चीज़ें उससे पैसे से हम फुलफ़िल करते हैं, बट बेसिक नीड हमारी पूरी हो जाती है। लेकिन जो लोग पूरा काम ही इस पैसे से करते हैं, लाइव शोज़ के, गिग्स के पैसे से, उनके लिए ये टाइम, ये दौर, ये 2-3 साल इतना ज़्यादा बुरा गया है कि क्या ही बताएं। एक ये म्यूजिशियन लोग और जो ये लेबर्स और जितने भी वर्कर्स हैं, ये बहुत, लेकिन ये समझेगा कोई नहीं, क्योंकि जो ऊपर बैठा हुआ है इंसान, जो सब डिसीजन लेता है, उसकी जेबें भर रही हैं, उसका काम चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। उनके मर्जी से लॉकडाउन हो जाएगा, उनके मर्जी से अनलॉक हो जाएगा, उनके मर्जी से कोविड आता है, उनके मर्जी से कोविड जाता है, उनके मर्जी से केसेस बढ़ते हैं। मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ये अरे यार बोल रहा है पता नहीं क्यों। उनके मर्जी से केसेस बढ़ते हैं, उनकी मर्जी से केसेस कम हो जाते हैं। अब ये पता नहीं क्या है, खेल है क्या है, दुनिया के साथ खेल रहे हैं, लोगों के साथ, समाज के साथ खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट दिस इज़ वेरी सैड। स्कूल नहीं खोलो यार, अभी ऑनलाइन जब पढ़ाई हो रही है, पढ़ाओ। देखो ऐसा, दिस इज़ वेरी क्लियर, दिस इज़ वेरी जेन्युइन कि ऑनलाइन पढ़ाई हो नहीं पाती है सही से जितना कि ऑफलाइन होती है, बट खुद को सिक्योर करना है पहले। तो आप खोलो ही मत जब आप केस बढ़ा रहे हो, तो एक तो आप स्कूल खोल रहे हो, सारी चीज़ें खोल रहे हो, कहीं नहीं खुल रहे, कहीं खुल रहे हैं, ये पता नहीं कौन सी बात होती है, पूरा उथल पुथल मचा हुआ है पूरे इंडिया में, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। जो शोज़ हम लोग करते थे, जो भी हम गिग्स करते थे पहले हम लोग अराउंड 50,000 सबसे नॉर्मल हमारा वैसे ही कैची रेट है जो बिल्कुल हम नॉमिनल लेते थे। अब फिर उसके बाद फिर वो तो अब क्लाइंट्स के ऊपर है और रिक्वायरमेंट्स के ऊपर है और जगह के ऊपर है कैसा हम डील क्रैक करते हैं। तो 1,00,000, 2,00,000, 50,000, 40,000, 60,000 हम लोग, सबसे कम हमारा जो डील लॉक होती थी वो 40,000 में लॉक होती थी हमेशा। बट अभी इस लॉकडाउन ने पूरी बैंड बजा रखी है, बिल्कुल पैसा नहीं मिलता है, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा। मैं अभी तो ड्राइव कर रहा हूँ, शायद मैं आप लोग से बात भी अच्छे से कर पा रहा। इस लॉकडाउन में इतना गंदा सीन, इतना गंदा केस हो गया है सब म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट और सब लोगों के साथ जो चीज़ें जो डिपेंडेंट हैं इस चीज़ पे। हमें मतलब जहाँ हम 50,000 बिल्कुल कम रेट लेते थे, वहाँ लोग बिल्कुल देने को तैयार नहीं है इस टाइम पे। जो भी छोटे मोटे इवेंट्स हो भी रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, क्योंकि अब उनकी भी गलती नहीं है, बिकॉज उन्हें भी अलाउड नहीं है कि मतलब 50-60 लोगों में इवेंट करना है तो भाई वो क्यों ही खर्च करेंगे, और उन्हें वो चीज़ भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजेशन हो रही है, हम भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जो म्यूजिशियंस आर्टिस्ट हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कि कुछ तो आए। अब जो भी उनके साथ जो मेन सफरर्स हैं, जो जिनका जो पूरे डिपेंडेंट हैं, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, उनका भी काम हो रहा है, बट
उस ट्रैक पे नहीं है जिस ट्रैक पे 2-3 साल पहले हुआ करता था, जो बहुत अच्छा इनकम लोग लेके आते थे घर में। तो प्रॉपर एक अच्छे नौकरी करने के बराबर का हर आर्टिस्ट पहले कमाता था, जो प्रॉपर एक सेटल्ड आर्टिस्ट, जो अच्छा आर्टिस्ट, जो अच्छा काम करता है। हम तो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं, तो हम तो इवेंट करते हैं, आर्टिस्ट को मैनेज भी करते हैं, आर्टिस्ट से काम भी करवाते हैं और सबको बहुत सारी मतलब इवेंट्स, मेन इवेंट हम मैनेज करते हैं, तो हमारा तो बात अलग है। बट जो मेन सफरर, जो मेन आर्टिस्ट हैं, उनके लिए जो काफ़ी टाइम पहले हमने भी वैसे स्टार्ट किया था, मतलब अब बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमने भी वैसे शुरू करी थी, अब चीज़ें कमांड में आ गई हैं, तो फिर इट्स टाइम टू टेक अ स्टैंड फॉर ऑल द आर्टिस्ट्स, फॉर ऑल द लेबर्स एंड वर्कर्स। हम तो वैसे ही शो के लिए जा रहे थे, लेकिन अब चलो जाना तो था ही हमें लखनऊ, कोई दिक्कत नहीं है, मज़े करेंगे, हमारे और भी काम है। लेकिन जिनके लिए शो सब कुछ है, लाइव शोज, गिग्स, कॉन्सर्ट सब कुछ है, प्लीज सपोर्ट करिए, उनके लिए स्टैंड दीजिए और जितना हो सके उतना इस व्लॉग को शेयर करिए ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे और चीज़ें बाहर आए और थोड़ा अवेयरनेस फैले इन चीज़ों के बारे में कि जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। सो कर पाएंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम से कम लोगों के लिए स्टैंड ले पाएंगे जी। और अगर ये बात बहुत लोगों तक फैल पाएगी तो ये व्लॉग वैसे ट्रैवल व्लॉग है बट बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस और मोटिवेशनल काइंड ऑफ हमने बना दिया है। नहीं क्योंकि जरूरी है, लेकिन This was necessary. बहुत जरूरी है चीज। This is necessary actually. चल के मजा तो आ ही रहा है। चलिए तो मैं अभी बहुत बोल चुका हूँ क्योंकि बंदर की बातें जितनी थी मैंने आपको बता दी हैं। काफी बातें और हैं लेकिन मैं वैसे बता नहीं सकते ऑन कैमरा, बट प्लीज इस व्लॉग को शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारा चैनल फॉलो करिए। हम बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स और बनाएंगे आगे, बहुत ही मजा आने वाली है आगे, बहुत ही अच्छा टाइम मिलेगा। बारिश हो जाए बहुत तेज। चलो मिलते हैं फिर। तो अभी बाहर धूप हो रही है, ये देखिए, और अभी ये देखिए आगे बोर्ड आ गया है, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा। तो अभी पहला टोल बस आने वाला है थोड़ी देर में, उसके बाद फिर। और भाई बहुत खतरनाक रोड है यार ये, सागर भी ऐसे चला भी रहे हैं। ड्रॉप, ये देखिए भाई, दी तेरा ये बहुत सही है यार ये वाली रोड, मतलब यहाँ से आना जाना करने में तो बहुत मजा आता है। टोल प्लाजा आ गया, टोल प्लाजा आ गया, आने वाला है, मतलब 500 मीटर टोल प्लाजा। वो देखिए सामने दिख रहा है, क्या खा रहे बेटे? ब्रेड पकौड़े खा रहा है। और देखिए ये भाई साहब गुस्से में बैठे हैं, गुस्से में सो रहे हैं। इसको KFC खाने का मन है, कह रहा है कि मुझे KFC जाना है। तो हमने कहा कि हाईवे पे KFC थोड़ी मिलेगा, लखनऊ मिलेगा, तो फिर गुस्सा करता है। छोटा सा बच्चा है क्या भाई, इसको मना के फिर मिलते हैं। KFC जाएंगे, अब KFC जाएंगे। मना लिया इसको। होगी, कितना परसेंट लगता है? ठीक है भाई, देखते हैं। पूरा मौसम धूप तो चली ही गई भाई, यार क्या है भाई गगन भाई, ज्ञाता हो क्या एकदम? अब क्या करें, ये देखिए क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो है? गेम खेल रहा हूं। ऐसे कौन गेम खेलता है भाई, ये कैसा पोस्चर है गगन भाई है? नहीं, 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 नहीं।
तो भैया अभी कार रोक के एक क्लाइंट से बात करने गए हैं, उनका कॉल आया था अभी, तो काफी अच्छी क्वेरी है नवंबर की, इसलिए भैया ने सोचा कि कार रोक के पहले थोड़ा दिमाग लगा के बात कर लेते हैं ताकि क्रैक हो जाए अच्छे से। तो मतलब काफी मुश्किल हो गया इस टाइम क्वेरीज भी क्रैक होना सारी चीजें, लेकिन अच्छे अच्छे शोज होते हैं जो मतलब जिनको कराना होता है वो क्रैक मतलब करवा देते हैं, वो अच्छा करते हैं। तो भैया भी बाहर ही हैं, बात कर रहे हैं, हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पे, गगन गर्मी लग रही है, घर में भी एक गाड़ी ऑन करते हैं। मम्मी हेलो हेलो, क्या फोन में बात कर रही है क्या? हेलो बोल रही। अरे वो सॉरी, वो पिक्चर्स वगैरह देख रहे हैं ना कि क्या क्या है। तो भैया अब आ गए, हो गई बात? हाँ भाई हो गई। हाँ हो गई बात, चलो बढ़िया। मैं भेजने कंटेंट्स भेजने यार, मैं भेज देता हूँ फटाफट, एक बार जरा मैं उनका मैसेज आने वाला है। ठीक है ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है क्या मौसम है ये देखिए, अब इसका हम क्या समझे, बारिश होएगी धूप निकलेगी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। उधर देखो, ये देखिए इधर धूप हो गई, धूप हो गई, ये देखिए ये रोड ही ऐसा है, क्यों परेशान हो रहे हो? ये देखिए बारिश, ये बारिश, ये धूप भाई। इस रोड पे चलते हैं ना पूरा भाई, पूरा सीजन समझ आया। तो ये देखो इधर धूप, इधर बारिश, धूप बारिश, धूप बारिश, क्या हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, तकदीर बदल दी, सिचुएशन बदल दी, सब बदल दी। ये देखिए फोन चला रही है, हंस रही है। ओहो भैया जरा हॉर्न बजाना, चिंग ऐसे बजती है। तो अब ये हमारा दूसरा टोल आ गया है। धीमे धीमे धीमे, जय माता दी, लकी 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 लकी, इतना धीरे धीरे आराम से। मम्मी डर गई, नहीं कोई चांस होता है कि हम लोग मतलब, मम्मी डर गई हो यार, वो जाता है मत किया करो, डर जाती हूँ, कभी कभी ब्रेक भी नहीं लगता भाई, ऐसे समझा लगा। ऐसे नहीं करते छोटू बच्चों को, पीछे बाइकर आ रहा है, पीछे कोई बाइकर नहीं है। 9-10 बड़े बच्चों के साथ ऐसा करते हैं ना, छोटे बच्चों के साथ नहीं करते ऐसा, छोटे बच्चों को। अरे मैं गिर गया भाई, छोटे बच्चों को इधर लाओ, इधर लाओ अपना फोन, आगे चलते हैं और अगले टोल पे मिलते हैं। तो गाइस आप लोग व्यू देखिए, धूप और छांव वाली, क्या व्यू है, कितना प्यारा, ये देखिए। और बहुत ही सैड न्यूज मिली है अभी हमको, बहुत बुरी, कि सिद्धार्थ शुक्ला जो एक्टर थे उनकी डेथ हो गई, बहुत बुरा लग रहा है। और ये है हमारा थर्ड टोल, इसकी बॉडी, भैया 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 बहुत गर्मी लग रही है, ये क्या है, ये हम किस चीज पे चल रहे हैं? ब्रेकर है, ब्रेकर पे नहीं, हम लोद पे चल रहे हैं। किस पे? लोद पे, लोद पे। पिछले व्लॉग में मैंने बताया था, क्या बताया थे, लोद पे चल रहे हैं हम लोग। तो इस बोर्ड को देखकर, वेलकम टू आगरा इनर रिंग रोड को देखकर हमको ऐसा लग रहा है कि हमको आगरा का एक राउंड मार लेना चाहिए, क्योंकि भाई अब ये हैं हमारे जो चैनल के मालिक हैं हमारे, इनको ये कह रहे हैं कि मैं आज तक आगरा नहीं गया, वहाँ आगरा तो गया लेकिन ताजमहल नहीं देखा मैंने, तो इसको एक ताजमहल का राउंड लगवा के आते हैं। बाकी मैं आगे आपको पूरा दिखाऊंगा, और मम्मी हंस रही है बैठ के।